देश की 400 किसान जथेबंदियों की ओर से एक साल के ऊपर समय तक सिंघू बॉर्डर पर केंद्र द्वारा थोपे तीन किसान विरोधी काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, और अब केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते किसान नेताओं की ओर से किसानों की घर वापसी का ऐलान कर दिया गया है। उसी के चलते फरीदकोट के गांव मोरावाली के बड़ी संख्या में किसान अपने घर पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। इस मौके पर गांवों की महिलाओं ने खुशी में भांगड़े डाले और जागो भी निकाली। वहीं कमेटी सदस्यों द्वारा सिंघू बॉर्डर से लौटे किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मोरावाली क्लब के प्रधान, समागम के ऑर्गेनाइजर मनदीप सिंह, निर्मल सिद्धू ने परमात्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज किसान दिल्ली फतेह कर अपने घर वापस लौटे हैं। उन्होंने किसानों की इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जो भी अभी सवा साल तो इतों दिल्ली को चले आ दिल्ली पूछ दिता भी जिन्ना चर संघर्षी जिता नहीं जाता उन्हें अभी मुड़ना नहीं पावे कि भी टाइम लग जाए। असी अज संघर्षी खुशी के बच्चा पिंड मोराली पहुँचे हाँ। पिंड कलेरा तो ला के बहुत व्डा साडा मान सम्मान किया पिंड ने। सब तो पहला उस अकाल पुरख का बहुत ज़्यादा शुकराना करते हैं, और उस तो बाद तमाम दुनिया के वसते पंजाबियों का, गैर पंजाबी लोगों का, दिल्ली वालों का, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोर्चे के उत्ते अपना योगदान पाया, बहुत सेवा की, बहुत इज्जत मान बख्शिया। तो अज पिंड मोराली की संगत जी गई सी एक साल तो लगातार उत्थे जिन्होंने सेवा की है, अज पिंड दे विच उन्हां दी वापसी हुई है। तो कलेरा तो लैके पिंड तक संगत का बहुत ज़्यादा जोश मतलब जो ठाठा मारदा हड़ सीगा, फुल्लां दे नाल बरखा की है। तो उस अकाल पुरख का परमात्मा का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते, पिंड वासियों का सारे का बहुत धन्यवाद करते जिन्होंने तन मन धन दे नाल सेवा की है।